पर जो हमारे होंठों पे है उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु की जय। यीशु हम सब जानते हैं क्रिस्तीय जीवन के अधिष्ठान है प्रभु यीशु के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान। हम संधि योहन की सुसमाचार में सुनेंगे ईश्वर ने हमें कितना प्यार किया है। उनके अध्याय 3 वाक्यांश 16 में हम पढ़ेंगे ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यह है असली प्यार। हम सबों को ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया ताकि हम सब इस प्यार को समझ सके, इस प्यार को बांट सके और प्रभु यीशु अपने जीवन में खुद इस प्यार को हमें दिया और उस प्यार के खातिर हम सबों के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया और यही महिमा हमें प्रदान किया है, यही प्रतिरूप ईश्वर का हमें दिए गए हैं ताकि हम सब इस प्यार को बांट सकें। लेकिन आज के सुसमाचार में हम देख सकते हैं शास्त्री और फरीसी इस असलियत को छुपाते हैं या इस असलियत को अपने जीवन में लागू कर नहीं पा रहे हैं, बस वे लोग एक ढोंगी की तरह दिखावा कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु सबके सामने फरीसी और शास्त्रियों को दिखाते हैं, उनकी गलतियों को वे सबके सामने बताते हैं, या माने ईश्वरीय गुण के आधार पर अपने जीवन प्रकट करने के वजह से हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं। यदि हम इन गुणों को ना अपनाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम पापमय जीवन बिताते हैं। जैसे ही ईश्वरीय गुण है हमारे अंदर, हम एक दूसरे के जब प्रति हम प्रेम करते हैं, हम अपनी दया दिखाते हैं, हम न्याय दिखाते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ एकमत होकर जीते हैं, जब हम ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में लागू करते हैं, जब हम इन गुणों को अपनाते नहीं और इन गुणों के आधार पर अपने जीवन बिताते नहीं, बस दिखाने के लिए यह सब है और इस तरह की जब हम जीवन जीते हैं इसको हम एक डोंकी बनकर जीवन बताते हैं, या माने हम अंदर से कुछ और बाहर से और कुछ। लेकिन ईश्वर ये नहीं चाहते हैं हमसे, क्योंकि ईश्वर की महिमा हम में प्रकट होने हेतु हमें इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इस संसारिक जीवन में हमें ईश्वरीय गुण को अपनाते हुए, ईश्वरीय गुण को अपने जीवन में लागू करते हुए, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर जो हमसे जो चाहते हैं उसी के अनुसार ईश्वरीय
कर्तव्यों को पालन करते हुए, ईश्वरीय आज्ञाओं को पालन करते हुए इस संसार में जीना है। हमें ढोंगी फरीसी और ढोंगी शास्त्रियों की तरह नहीं जीना है। हमें अपने असलियत को दूसरों को दिखाना है। यदि हम गलती करते हैं तो हमें अपनी गलतियों को मानना है और हमें अपनी गलतियों को दूर करते हुए एक अच्छी जीवन जीते हुए अपने जीवन में पुनः प्रवेश करना है और हम ईश्वरीय महिमा को प्रकट करना है। आइए इसमें संविधान में भाग लेने के लिए अपने आप को योग्य बनाए। याद करें उन सभी क्षणों और परिस्थितियों को जब हम दिखावे के लिए जो कुछ किया है, हम असलियत को छुपाकर दूसरों के नाम, दूसरों के सामने नाम कमाने के लिए और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जो भी कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों और समयों के लिए हम प्रभु से माफी मांगे, ताकि इसमें सबलिदान हम योग की रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब सद्गुरुओं, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाते हैं। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोग में लगे रहे जहां सच्चा आनंद है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुजीते वो राज्य करते हैं। आमीन। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से आज का पाठ। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र हो जाने के विषय में हमारा एक निवेदन है। किसी भविष्यवाणी, अफवाह अथवा पत्र से जो मेरी ओर से भेजा हुआ जान पड़े, आप लोग आसानी से ये समझकर उत्तेजित ना हो अथवा घबरा ना जाए कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई भी आप लोगों को किसी भी प्रकार ना बहकाए। ईश्वर ने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे यीशु मसीह की महिमा के भागी बन जाएं। इसलिए भाइयों, आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको मौखिक रूप से या पत्र द्वारा हमसे मिली है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर, हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढारस बनाते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों को ये घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाद के प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठें, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। अनुवाद के प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा।
अनुवाक्य प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष, आलेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने ये कहा, ये डोंकी शास्त्रियों और फरीसियों, दिखार तुम लोगों को, तुम पुदीना सोम और जीरे का दशांश तो देते हो, किंतु न्याय दया और ईमानदारी संगीता के मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेदा हो तुम, मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निकलने जाते हो। ए ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, दिखार तुम लोगों को, तुम प्याले और थाली को बाहर से मांझते हो किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। रे अंधे फारसी, पहले भीतर से प्याला को साफ कर लो, जिससे वह बाहर भी साफ हो जाए। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु करतार, पाप सुख दुख जो हमारे कर ले तू स्वीकार। आए तेरे द्वार प्रभु जी, आए तेरे द्वार, ये दीन जन का है चढ़ावा, कर ले तू स्वीकार। तूने जो हमको दिया है लाए हैं उपहार, जो भी है सब तेरा ही है तो कर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। ये प्रभु तूने क्रूस के एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है, अपनी कलीसिया में हम सबों को एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू युवहार अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोई छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और भूतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिराएंगे। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले, तदा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सितार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब प्रत्याधिष्ठान की हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता निकुआरी मरियम उनके वर्षन यूसुफ प्रेरित कर सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी गाय बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझी समात्र तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया की विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू युगान को जीता हो राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ हुई, परस्पर प्रेम भाव रखिए। किसकी शांति, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, में तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला तुम विजय दर्ज कर, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य है हम सभी स्मृति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं, मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूं और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। चूंकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, प्रभु आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए, मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ, मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन।
मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन में पुनर्जीवित करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबों को पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। ये वरदे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग बिताले प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।